सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में भाई ये क्या है। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप अपने अकाउंट को प्रो कैसे बना सकते हो, यानी कि आपको जो ये प्रोफाइल है वो एकदम प्रो दिखने लग जाएगी। भाई सब लोग बोलेंगे भाई ये क्या चीज है। सो गाइस, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा, भाई कुछ है ही नहीं। सो गाइस, प्रोफाइल की पूरी गाइडलाइन आपको देने वाला हूँ कैसे आप इसको प्रो कर सकते हो। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है आपका अकाउंट प्रो ही ना दिखे। सो गाइस, नू बोलेंगे सब लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, आप सभी को पता है आपकी दो रैंक होती है, एक क्लैश कोड रैंक और एक नॉर्मल रैंक। सो गाइस, मान लो आप इसमें हो गोल्ड वाली रैंक में और इसमें हो आप हीरोइक में हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप क्या चाहोगे, सबको हीरोइक दिखे, यही चाहोगे ना कि सामने वाला आपका अकाउंट खोले तो भाई हीरोइक रैंक दिखे और सामने वाला बोले वाह ये हीरोइक में। और नहीं तो होता क्या है, आपका अकाउंट खोलते वो देखते भाई ये तो गोल्ड में बैठा है अभी तक। तो गाइस, सबसे पहले इस सेटिंग के लिए आपको करना है यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर टैप। पेंसिल पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा रैंक लिखा हुआ, ठीक है। इसके सामने वाली लाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप चाहते हो क्लैश कोड की रैंक दिखे तो आपको क्लैश कोड पर क्लिक कर देना है, और आप चाहते हो कि रैंक नॉर्मल वाली दिखे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जिसमें आपकी रैंक ज़्यादा है आप उसी पर क्लिक कीजिए, जैसे कि क्लैश कोड में आप कर लो, उसमें आप हीरोइक में हो तो आपकी सीधी आईडी खोलने पर हीरोइक ही दिखने वाला, काफ़ी ओपी दिखता है ऐसे करने पर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको दूसरी सेटिंग भी आपको बता देता हूं। सो गाइस, जितना इन्वाइट आता है क्या बोलूं। अभी आपको दोबारा से पेंसिल के आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद में आपको दिखता है ऊपर ऊपर आपका नाम, दूसरे नंबर पर आपको लैंग्वेज दिखते हैं इंग्लिश, वो आपको इंग्लिश ही रहने देनी है, चेंज नहीं करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा जेंडर, उसके बाद में ये बोल रहे हैं एक्टिव डेज। सो गाइस, आप कौन से दिन में एक्टिव रहते हो, वीकडे वीकेंड। मैंने भाई फ्लेक्सिबल कर रखा है, मतलब कि मैं कभी भी ऑनलाइन आ जाता हूँ, कोई भरोसा ही नहीं है। उसके बाद है एक्टिव टाइम, ये भी भाई आप मॉर्निंग इवनिंग कब रहना चाहते हो एक्टिव, इसको भी मैं फ्लेक्सिबल ही रहने दूंगा, आप भी इसको फ्लेक्सिबल ही कर दो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप कौन सा मोड ज़्यादा खेलना चाहोगे। सो गाइस, क्लासिक, क्लैश कोड, कैजुअल, भाई इसको भी मैं नो प्रेफरेंस, मतलब कि हम भाई बताते नहीं, हम कुछ भी खेल लेते हैं, जो हाथ में लगे वो खेल लेते हैं। उसके अलावा सबसे नीचे आपको दिखता है यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ भाई अपना नाम ही लिख देता हूँ, रसर बॉय पर आपको ओके करना है, और इस सेटिंग को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है, यहाँ पर नाम भी आ चुका है रसर बॉय। अभी बाकी है दोस्तों, ऐसे बैक मत करो यार, ऐसे बैक कर दे तो। अभी देखो दोबारा से हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ चमकते और मस्त वाले डिजाइन वाले नाम दिखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं इस वाले नाम को एक तो शो करना चाहूँगा, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। इस पर भी मैं शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी डिस्प्ले पर शो कर देंगे। इसको करना चाहेंगे तो इसको भी डिस्प्ले पर शो कर देंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो ऊपर वाले को भी रहने देते, इसको भी रहने देते। उसके बाद में सोशल स्टाइल, तो इसमें से हम क्या करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करेंगे, साइलेंट किलर, एक तो ये कर देते, ठीक है दोस्तों। बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, जस्ट फॉर फन। प्ले टू विन, ये भी हम कर लेते हैं, ये दोनों सेटिंग भी हम कर चुके हैं। अभी इसको करते हैं क्रॉस, और देखो भाई ये नाम आ चुके हैं सामने और इसके नीचे वाले नाम भी सामने आ चुके हैं, काफ़ी ओपी लग रहे हैं। सो गाइस, इन सारी सेटिंग को आप कंप्लीट कर लो भाई, आपका अकाउंट इतना बड़ा, मतलब नाम इतना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, नहीं तो था कितना था, इतना सा था। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ओपी लग रहा है, इसलिए आपका अकाउंट कैसा भी हो, आप इस वाली रैंक में हीरोइक में जा चुके हो तो इस वाली रैंक को शो कर दो, तो भाई सामने वाले बोलेगा भाई हीरोइक प्लेयर, चाहे आप गोल्ड में बैठो ब्रॉन्ज भी बैठो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हीरोइक में ही दिखोगे। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। थैंक यू।